भारतीय किसान संघ ने भगवान बलराम जयंती महोत्सव मनाया। इस मौके पर किसान संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त कलेक्टर को 42 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा और किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया। हरदा कृषि उपज मंडी में भारतीय किसान संघ ने भगवान बलराम जयंती महोत्सव मनाया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। संघ के पदाधिकारियों ने संयुक्त कलेक्टर को किसानों की समस्या से अवगत कराते हुए 42 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर संघ के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष राम भरोसे बसोतिया ने कहा कि जिन किसानों की फसल खराब हो चुकी है उसका सर्वे करवाकर सरकार उन किसानों को तुरंत बीमा राशि दिलाए। राम भरोसे बसोतिया ने कहा कि सरकार बदलने से कुछ नहीं होगा, जरूरत तो भ्रष्ट अधिकारियों को बदलने की है। वहीं संयुक्त कलेक्टर केसी परते ने कहा कि भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन सौंप किसानों की मांग सामने रखी है, संबंधित विभाग से चर्चा के बाद समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। संघ मध्य प्रदेश की ओर से जिला स्तरीय कार्यक्रम जो मंडी में रखा गया, इसके संबंध में जो है राजस्व, कृषि, WRD, सहकारिता, विद्युत, ये सब सारे मतलब जो क्षेत्र की समस्याओं के संबंध में उन्हें अवगत कराया है। मुझे जो ज्ञापन प्रेषित किया है उसमें सारे बिंदु लिखे गए हैं। मैं विभाग से मतलब जो है संबंधित विभाग से चर्चा करने के उपरांत तो सारी समस्याओं के निराकरण का प्रयास करूंगा। सरकार को पहले ही बता चुके हैं कि जिन किसानों का नुकसान हुआ है, फसल खराब हुई, उनको तत्काल सर्वे करा करके बीमा तुरंत दिलाने का प्रयास करें। मैं तो 35 साल वालों को बदलने की बात है, सरकार बदलने से कुछ नहीं होता। ये 35 सालों के विचार बदलना पड़ेगा, नौकर तो वही रहेंगे ना हमेशा, सरकार बदल दी इससे क्या होता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।